हेलो जी, सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। पिंड जासी ने आस्ट्रेलिया विच तुहाडा स्वागत है। इस वेले शाम दे 8 बजण वाले आ। साडे इत्थे समर दा वैदर स्टार्ट हो रहा, हुण समर स्टार्ट हो रही है। गर्मियां इस करके अजे लाइट ही आ 8 बजे। तो मैं तो सरदार जी पार्क दे विच आए सीगे। इत्थे चिड़ियां बहुत सोहणियां बोलदियां सी। मैं क्या थोड़ा जिहा रिकॉर्ड कर लूं। देखो किन्नी सोहनी सीनरी आ। चिड़िया बिच उड़ रही, जानवर सारे शायद अपने घर जान लई तैयार आ, क्योंकि ये पार्क च ही रहिंदे आ जानवर भी। सो ये अपने आलिया नूं हुण छेती मुड़ जाणगे। ये पार्क बहुत सोहनी आ। असी इत्थे बोक कान आउंदे हुंदे सी अगे, पर अज असी कार च आए हाँ, क्योंकि मैं इत्थे बहुता ज़्यादा वोक नहीं कर सकती, हुण तुर नहीं सकती। इस करके हुण मैं कदे कदे अपने हसबेंड दे नाल कार च आउंदी हुंदी आ शाम नूं, असी कई वी दुपहर नूं, क्योंकि तुहानूं नेचर दे नाल रहना जरूरी आ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਟਰੀਸ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਰਿਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਆਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼। ਦੇਖੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ।
देखो शायद थानू सुनते हो बिच वीडियो दे जानवर बहुत सोहने बोलते है ना। ये भी अपने घर मुड़ के आ गए आ दाना पानी चुग के। लगता अज रात नू मीह आऊगा, बहुत बदल हुए हुआ आसमान ते भी। सो हुण असीं भी छेती घर नू जाण दी तैयारी करांगे क्योंकि रात नू वो गेट भी बंद कर दिंदे आ पार्क दे, फिर असीं निकल नहीं सकते बाहर। वो सारिआं नू फिर उन्हां दा इक ट्रक फिरदा हुंदा आ, वो फिर सारिआं नू जे कोई होवे कारां खड़ियां उन्हां नू बाहर कढ दिंदे आ, कहिंदे चल जाओ हुण, फिर उन्हें गेट लॉक कर देने हुंदे आ। किसी दिन दिन नू मैं आके थानू दिखाऊंगी। इधर गोल्फ कोर्स है, आ कैंगरू बैठे आ, इत्थे बहुत हुंदे दिन नू बैठे पर ये देख के दौड़ जांदे, अगे इत्थे नेड़े बैठे सी ये देख के मैनू दौड़ गए आ। हुण इस पासे गोल्फ कोर्स है, इत्थे बहुत वड्डी गोल्फ कोर्स है, पर इहनू वी आ जाके इत्थे लोग बहुत दूरों दूरों गोल्फ खेलन आउंदे आ, जिद्दां दुपहर नू इत्थे दिन नू खेडदे भी हुंदे आ गोल्फ काफ़ी लोग। सो नैक्सट टाइम मैं थानू दिन नू आके रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी। देखो चिड़िया किद्दां बोलदियां है ना, ये सारे अपने आलियां च नू मुड़ के आ गए अपने बच्चियां कोल। जिद्दां इंसान भी है ना, आपां भी दिन दे कम कार करके अपने घरां नू मुड़दे आ, इदां ही ये जानवर भी सवेर दे गए हुण चोगा चौके आ गए अपने बच्चियां दे कोल आलियां दे विच। सो बोल रहे आ, गल्लां कर रहे आ। आ कैंगरू बैठे आ, जे मैं इन्हां दे कोल गई ना देख लो इन्हां नू पता लग गया दौड़न लग पए। इधर भी काफ़ी बैठे आ, ये फिर दौड़ जाते हैं, इस करके मैं हौली बोलती हूँ। देखो कैंगरू, मैं हौली बोलती हूँ क्योंकि नहीं नहीं दौड़ जाना है, फिर उन्हें वीडियो नहीं बना देने। ये भी अजे शाम को खाना खूना चुगते हैं, इन्हें भी चल जाना फिर अपने जिथे इन्हों के घर ने। जे मैं इन्हों ज़्यादा कोल गई ना इन्हें दौड़ जाना है फिर। सो मैं थोड़ा जि दूर रिकॉर्डिंग कर, शायद थानू दिसे आ दूर आ थोड़ा जहा बैठे, होर कैंगरू बैठे आ थोड़ा दूर बैठे आ भी गल्फ कोर्स आ। जानवर अपने आलियां दे विच जा रहे उड़ के हुण, मैं उच्ची नहीं बोलदी करके मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जदों ये मैंने बोलदी सुनते हैं ये फिर बोलनों हट जाते नहीं, बहुत बोलते सी। आ देखो कैंगरू बैठा, जे मैं ज़्यादा नेड़े गई इन्हें दौड़ जाना, कई बैठे आ इहदी फैमिली। इत्थे काफ़ी हुंदे आ, ये अंदर रहिंदे नी फेंस लाइयो आ, सो बहुत खुला थां आ इन्हां लई भी उन्हें कीता आ सारे जानवरां लई। ये बाहर तों हुण देखदा आ भी कोई अटैक ना करे इनू। जिहड़ा इन्हां दा हुंदा आ मोहरी वो इदां राखी करदा हुंदा, बाकी परे बैठे आ ये इन्हां दी लुक आफ्टर करदा हुंदा। जिहड़ा सब तों वड्डा आ ना हुंदा फैमिली दा वो लुक आफ्टर करदा हुंदा आ, बाकियां नूं इदां देखदा आले दुआले कोई आ तां नहीं रिहा, ते दूसरे चुगदे हुंदे आ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਬਣਾਏ ਹੋ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਏਰੀਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਹੋਆ, ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਪਲੇ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਲੇ ਏਰੀਏ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।